चलिए बच्चों अगला इंटीग्रेशन जो स्पेशल टाइप का है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एल वन अंडर रूट एल टू डी एक्स और एल वन अपॉन अंडर रूट एल टू डी एक्स। अभी एल वन एल टू क्या है, अगर मैं एल लिखूंगा तो एल का मतलब होगा लीनियर। लीनियर का मतलब एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक्स की मैक्सिमम पावर वन है। अगर मैं क्यू लिखूंगा तो मतलब होगा क्वाड्रेटिक, उसका मतलब ये होगा कि एक्स की हाईएस्ट पावर टू है। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है ना वो कुछ इस टाइप का हो गया, ए एक्स प्लस बी लीनियर और रूट के अंदर भी क्या है लीनियर, सही है, या डिवीजन में भी हो सकता है ए एक्स प्लस बी, ये भी हो सकता है। पहले ये बताओ सवाल समझ में आ गया किस टाइप का होने वाला है, क्लियर। इसको सॉल्व करने के लिए जो ट्रिक लगाई जाती है कि हमारा सवाल इजीली सॉल्व हो जाए, तो ए एक्स प्लस बी को यानी जो पहला वाला है एल वन जो है पहला वाला उसको लिखा जाता है लैम्डा टाइम्स एल टू प्लस यू। यहाँ पे मैं ए और बी भी ले सकता था, मैंने एक्चुअली ए और बी यहाँ ले लिया ना इसलिए मैंने ए और बी सी डी टाइप की चीज़ें नहीं ली। यहाँ पे मान लेंगे कि एल वन क्या है लैम्डा टाइम्स ऑफ एल टू प्लस यू और फिर मैं लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा क्वेश्चन के थ्रू दिखाता हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ सेवन एक्स माइनस टू अंडर रूट थ्री एक्स प्लस टू डी एक्स। आप मेरे को बताओ क्या आप क्वेश्चन देख के ये पहचान पा रहे हो कि ये इस टाइप का क्वेश्चन है। जब आप पहचान लोगे तो आपको तरीका पता होगा और सवाल दो मिनट तीन मिनट अपनी लेंथ के हिसाब से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन सॉल्व हो जाएगा। वरना इंटीग्रेशन में तो लड़के यही सोचते रहते हैं करना क्या है, किसको टी रखें, टी रख के कुछ हो ही नहीं रहा, आप क्या करें। तो ये सब वही स्पेशल इंटीग्रेशन है, कॉम्पिटिशन में ऐसे स्पेशल इंटीग्रेशन नहीं होते। अब देखो इसको क्या करना है, तो पहला वाला जो है एल टू मैंने किसको माना है जो रूट के अंदर है और एल वन किसको माना है जो रूट के, दोनों ही जगह देख लो। तो यहाँ पर एल वन हमारा क्या एक्चुअली सेवन एक्स माइनस टू और एल टू क्या है हमारा थ्री एक्स प्लस। क्या ट्रिक है कि एल वन को ये रखना है और लैम्डा और म्यू निकालना। तो एल वन क्या सेवन एक्स माइनस टू इज इक्वल टू यहाँ से देखो लैम्डा टाइम्स एल टू प्लस, क्लियर है इतना, लैम्डा से अंदर मल्टीप्लाई अब देखो ये दोनों क्वांटिटी बराबर है ना ये और ये, तो जो एक्स का कोफिशियंट इधर होगा वो एक्स का कोफिशियंट इधर होगा। यहाँ एक्स का कोफिशियंट क्या है सेवन और यहाँ एक्स का कोफिशियंट क्या है थ्री लैम्डा। तो कंपेयरिंग द कोफिशियंट्स तो सेवन किसके बराबर होगा थ्री लैम्डा का और माइनस टू किसके बराबर होगा टू लैम्डा प्लस। भाई माइनस टू कॉन्स्टेंट टर्म है विदाउट एक्स वाला, तो यहाँ पे विदाउट एक्स वाला ही है, तो माइनस टू किसके बराबर होगा टू लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई वहाँ पे पुट कर देते हैं ये आ गई म्यू की वैल्यू और ये आ गई लैम्डा की वैल्यू। क्लियर हो गई इतनी बात, पहले इतना नोट कर लो फिर आगे बताओ। चलिए लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ गई, अब वापस आपने सेवन एक्स माइनस टू पर हमने लैम्डा और म्यू के टर्म्स में ये मारा था, तो अब मैं वो लैम्डा और म्यू की वैल्यू यहाँ ला के पुट कर दूंगा। तो 7x माइनस टू बराबर कितना हो जाएगा 7 बाई थ्री थ्री एक्स प्लस टू माइनस ट्वेंटी बाई, कोई दिक्कत इसमें। ये 7x माइनस टू की वैल्यू अब उठा करके मैं अपने क्वेश्चन में पुट करने जा रहा हूँ, फिर देखूंगा क्या होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन में वापस, तो 7x माइनस टू की जगह
ये आ गया और ये साथ में था, ये आ गया, सही है इतना। अच्छा, जो 3x प्लस 2 की पावर रूट लगा हुआ है अंडर रूट, इस पावर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/2। ठीक, अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जब 7/3 से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1/2, कितनी हो जाएगी पावर? 3/2। मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, 1 + 1/2 इज 3/2। 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, आया समझ में? नहीं, दोनों को अलग अलग भी कर सकते हैं, बल्कि अलग अलग ही कर लो, ये हो गया। कोई दिक्कत इसमें? डी एक्स भी लिख लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान है, 3x + 2 को t मान लो, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ भी 3x + 2 को t मान लो, सॉल्व हो जाएगा। भाई ये t की पावर 3/2 बन जाएगा, और t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 3/2 + 1/3/2 प्लस t की पावर 1/2 बन जाएगा, t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 + 1/2। इसका मैं करके दिखा दे रहा हूँ, इसका खुद कर लेना। लेट 3x + 2 इज इक्वल टू t, तो 3x का डिफरेंशिएशन dx लिख दीजिए ऐसे, तो dx इक्वल टू कितना हो जाएगा? dt/3। वैसे तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, लेकिन ये मैंने आपको लिखने का तरीका सिखाया ताकि आप जल्दी कर सकें। तो इसमें वापस आते हैं, तो ये हो गया 7/3 t^3/2 और dx की जगह dt/3, तो t^3/2 आ गया ना भाई। ये 3 7 बाहर हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा, t^3/2 + 1/3/2। कोई डाउट? पूरा सवाल करो, उधर वाला भी पार्ट करो जल्दी से। अपने ये सवाल तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, एक नया क्वेश्चन आपके लिए है, ट्राई करिएगा इसको। लेकिन क्या हम पहचान पा रहे हैं कि ये इस मेथड का सवाल है? सबसे बड़ी बात ये है, उसके बाद आगे कुछ नहीं। पुलकित आवाज़ आ रही है? ये हो गया ना L1/√L2। दूसरी चीज, चलो ये तो इस पहचान में आ गया, और अगर मैं इसके ऊपर से रूट हटा देता हूँ तब ये कौन से टाइप का सवाल बन गया? ऊपर नीचे पावर हो गई बराबर, लॉन्ग डिवीजन करना होगा, पहले लॉन्ग डिवीजन के बाद वो प्रॉपर इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ पाएगा। समझ में आ गया? सवाल देखते ही पहचान लिया अगर, तो थोड़ा लेंदी जरूर हो सकता है, अगर हो जाएगा ठीक। अब एक नए तरह का इंटीग्रेशन पढ़ते हैं ये वीडियो में।